प्यार दे रही है और कैसे है ना वो उनके एडिट्स बना रही है, तो मुझे बड़ा मजा आता है वो देखने में। मैं अपने अपने स्टोरी पे भी डालता हूँ, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है। मैं आज भी वही जबलपुर का लड़का हूँ जिसको बड़ा मजा आता है, कह रहे वाह मेरे लिए एक एडिट बनाए। तो फिलहाल बेकाबू बहुत अच्छा कर रहा है, सब लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं बेकाबू को, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी सिर्फ बेकाबू, बहुत से रियलिटी शोज भी स्टार्ट होने वाले हैं, खतरों और लॉकअप, हाँ दोनों में से किसी एक में जाने का मौका मिलता है तो किस में जाना पसंद? हाँ खतरों को रोहित सर होस्ट कर रहे हैं तो मैं क्या ही करूँगा, मतलब नहीं नहीं मुझे पता नहीं यार। फिलहाल आई वुड ओनली से कि आई डोंट हैव एनी रियलिटी शो लाइंड अप राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ एज मच मैं चाहूँगा रियलिटी करने का क्योंकि मैं करूँ, लेकिन कुछ अच्छा होगा तो जरूर करेंगे। कलश टीवी पे एंटरटेनमेंट की रात आ रही है जिसमें बिग बॉस के बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट देखने को हमें मिल रहे हैं, हाँ। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि आपको भी हमें एक झलक आपको भी देखने को मिलेगा? टाइम हाँ। नहीं है कि या फिर क्योंकि मुझे जो रंजन सर हैं हमारे डायरेक्टर वो मुझे जान से मार देंगे अगर मैंने ऐसा निकल के मैं एक दिन कहीं चला गया। तो फिलहाल तो सिर्फ बेकाबू है, मैं 24 घंटे में से 18 घंटे बेकाबू को दे रहा हूँ, है ना, शूटिंग प्लस डबिंग प्लस प्रमोशंस प्लस कार सब कुछ, हाँ प्लस कार प्लस, सो अभी और कुछ नहीं है सिर्फ बेकाबू है। शाली ने एक आखिरी सवाल, अगर बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे आपके साथ अगर उनमें से किसी एक को अगर कार में बिठाने का मौका अगर मिलता है तो किसे बिठाना चाहिए? सलमान सर, मैं बिग बॉस में से सिर्फ सलमान सर को, या बिग बॉस जिनकी आवाज़ थी वो सामने आना चाहे मैं उनको ज़रूर बिठाऊंगा, है ना, लेकिन ड्रीम कम ट्रू हो जाए, मैं ड्रीम कम ट्रू हो जाए अगर मैं सलमान सर मेरी गाड़ी में बैठूँ तो ऐसा लगा मतलब भाई साहब मैं गाड़ी जिंदगी में बेचू ना, मैं एक्चुअली ऑक्शन करूँगा, फिर मैं ऑक्शन में बेचूंगा। सर सलमान सर की बात आई तो उनकी मूवी की भी बात कर लेते, भाईजान मूवी देखी है? मैं बहुत अपसेट हूँ अपने आप से क्योंकि 3 दिन हो चुके ना रिलीज हुए, पर दो दिन हुए, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। कितने दिन हुए? 5 दिन हो गए। देखो मुझे ये भी पता नहीं है तो, और मैं जा नहीं पाया हूँ, मैं अपने डायरेक्टर से अपने ईपी से बोल रहा हूँ कि मेरे को एक दिन तो ऐसा दे दो कि 10 बजे तक छोड़ दो कि कम से कम मैं एक लास्ट मूवी देख लूँ। बट मैंने वो एक भाग्यश्री मैम का और उनका एक क्लिपिंग है वो देखा और मुझे ऐसा नॉस्टैल्जिक लग रहा था, मैंने हाय क्योंकि मैंने राजश्री में वो देखा हुआ है, वो एक्चुअली जब फुटेज शूट हुआ था तो राजश्री में काम कर रहा था आज से कुछ साल पहले, और राज बाबू जो सूरज जी के पिताजी हैं अब नहीं, उन्होंने मुझे वो एक्चुअली रफ क्लिपिंग दिखाई थी सलमान सर और भाग्यश्री मैम की, जो लुक टेस्ट था रोल में प्रोजेक्टर में, तो मैंने वो एक्चुअली देखा हुआ है, नॉट द पार्ट विच इज देयर इन द मूवी द रिहर्सल पार्ट। तो मैं जब अभी वापस देखा तो मैंने बोला यार मेरे भाई मेरी जान, एक सवाल को आखिर काट ही दिया, फिर आपने पूरा बताया नहीं कि आप कौन से कंटेस्टेंट को बिठाना चाहोगे आपके कार में, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, टीना है, अब्दू है, प्रियंका है, मैं सबको सबको मैं बोलूँगा कि प्लीज़ जब भी आपको चाहिए हो तो टैक्सी सर्विस मेरी यहाँ पे है, आप मुझे फ़ोन करें मैं आपके पास में आऊँगा, है ना, और मैं आपको पिकअप कर लूँगा, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस में कर सकता हूँ किसी को भी, बट साजिद भाई ऑफ कोर्स यार आई लव हिम, ही इज़ लाइक ही इज़ एन एल्डर ब्रदर, तो उनको तो मैं बिठाऊँगा 100%। डन, चलो थैंक यू।